सर, हॉस्पिटल में हमारे कुछ इमरजेंसी कोड्स होते हैं, जिनमें से एक है कोड रेड। कौन सा है? कोड रेड अनाउंस होता है फायर की कंडीशन में। अगर आपके हॉस्पिटल में कभी भी आग लग जाती है तो आप अनाउंस करोगे क्या? कोड रेड। ठीक है, कोड किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि अगर हमारी कोई इंफॉर्मेशन है और हम चाहते हैं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचे, सब लोग उसको ना समझ पाए, तो हमें कोड में बात करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है मिलिट्री। कभी भी आर्मी सीधे सीधे बात नहीं करती, वो हमेशा कोड में बात करते हैं। वो कोड जिसको मालूम है वही उसको समझ सकता है, दूसरा उसको समझ नहीं पाएगा। इतना तो पता होगा ना, हिंदी मूवीज तो सबने देखी होगी। ठीक है, तो हॉस्पिटल में क्या होता है ना, हम लोग कुछ इमरजेंसी कोड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आग लग गई हॉस्पिटल में और किसी ने भी एक बार ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हॉस्पिटल में आग लगी है, तो भले थोड़ी सी आग हो तुरंत मैनेज हो सकती हो, लेकिन लोगों में दहशत हो जाएगी और हड़बड़ मचेगी। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, तो हमें अनाउंसमेंट करने के लिए कोड रेड करना होता है। अब अनाउंसमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर हम अकेले नहीं लड़ सकते, और हमें अकेले लड़के हीरो बनने की जरूरत भी नहीं है। हमें चाहिए टीम, हमारे लिए हेल्प बुलवानी होती है, चाहे वो आग लगी हो, चाहे वो लड़ाई हो रही हो, चाहे वो पेशेंट को कोड ब्लू हुआ हो, कार्डियक अरेस्ट पड़ा हो, या कोड पिंक हो, कुछ भी हो, तो हमें अपने लिए ना हेल्प मंगानी होती है। और उसके लिए हॉस्पिटल में टीम बनी होती है। कोड रेड की टीम होगी, कोड ब्लू की टीम होगी, कोड पिंक की टीम होगी, सारी टीम। तो उस टीम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम लोग कोड अनाउंस करते हैं। जैसे अगर कैंटीन में आग लग गई तो हम अनाउंस करेंगे कोड रेड इन कैंटीन। तो अगर कोड रेड की टीम में ये डॉक्टर साहब है, प्रीत जी है, जो कोई भी है, उनको पता लग जाएगा यहाँ पर आग लगी, तो उन्हें तुरंत वहां पे पहुंचना है और एक्शन लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? तो अब अभी हम लोग क्या पढ़ ले? कोड रेड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। इसका जो नाम पढ़ा है वो आग के कलर से पढ़ा है। आग का कलर कौन सा होता है? रेड। ठीक है, इसमें करना क्या होता है? सपोज सबसे पहली चीज, आपके हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के डिवाइसेस लगे। आप लोगों ने शायद कभी ध्यान ना दिया हो, लेकिन फायर सेफ्टी के डिवाइसेस हर बिल्डिंग में होने जरूरी होते हैं, तभी आपको लाइसेंस मिलता है। ठीक है ना, हमारे पास फायर का एनओसी, और उसके लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है? फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर देखा है? एक फायर सिलेंडर उठा लो सामने से। फायर सिलेंडर जानते हो, है ना? ठीक है, उसके अलावा हॉस्पिटल में क्या है? स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, वेटराइजर होता है, होज रील होता है। ये सब क्या होता है अभी बताते हैं, परेशानी वाली बात नहीं। देखो, आग बुझाने के लिए ना हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पानी डालो, या फिर हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो फायर सिलेंडर के अंदर होते हैं। ओके, फायर वाली ब्रिगेड देखिए, फायर ब्रिगेड जो गाड़ी आती है बड़ी सी लाल रंग की, उसमें सायरन बजता रहता है। तुम्हारा फायर ब्रिगेड स्टेशन कहाँ पे है? मरिंडा का फायर स्टेशन कहाँ पे है? वहां पर है बड़ा सा। ठीक है, तो आपकी गाड़ी वहीं से आएगी। थैंक यू। ये क्या है आपका? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? बोलो सब लोग, बोलो सब लोग, जब तक सारे नहीं बोलोगे ना शाम तक यही चलेगा। हाँ बोलो, क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर, उसके आगे एक्सटिंग्विशर बोलो। अरे नहीं बोल पा रहे हो क्या? पहली बार सुना है? एक्स टिंग क्वेश्चन, इसका काम होता है आपको बुझाना। ठीक है, हॉस्पिटल में फायर की सेफ्टी के लिए जो कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, पहला लगाते हैं हम लोग स्मोक डिटेक्टर। ये क्या होता है? स्मोक को डिटेक्ट कर लेगा, कहीं पे अगर धुआं होगा तो उसको पकड़ लेगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर धुआं उठा है तो कहीं आग तो लगी होगी, है ना? तो अगर आग लगेगी तो धुआं उठेगा। तो इससे पहले कि आग बहुत ज्यादा फैले, ये डिवाइस होता है जो हम सीलिंग पे लगा देते हैं, जिससे अगर स्मोक निकलती है तो ये अलार्म बजाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसका पैनल आपके रिसेप्शन पे लगा हुआ है। स्मोक डिटेक्टर्स का पैनल आपके रिसेप्शन पे लगा है, वो हमेशा ऑन रखना होता है, वरना वो बंद होगा तो आग भी लगेगी तो अलार्म नहीं बजेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग होती है स्प्रिंकलर। शॉपिंग मॉल्स में गए हो, देखा हुआ एक लाल रंग का पाइप जाता है, उसके नीचे एक छोटा सा नोजल निकला होता है, देखा है कि नहीं देखा?
नहीं देखा है तो मैं उसकी फोटो ग्रुप में डाल दूंगा, वो देख लेना। फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो पाइपलाइन से आती है, उसके अंदर पानी भरा होता है और उसमें एक इतनी बड़ी क्लिप लगी होती है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, जब वो टेम्परेचर एक फिक्स लेवल से ज्यादा हो जाता है वो फट जाती है और उसके बाद पूरा पानी पूरे में बिखरना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। ठीक है, ये वाटर स्प्रिंकलर होता है, ये पानी पूरे में छिड़कना शुरू कर देता है, तो जिस एरिया में आग लगी होगी उस एरिया में पानी गिरेगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज होती है वेट राइजर और होज रील। आपकी बिल्डिंग में एक लाल रंग का पाइप दिया है बड़ा मोटा सा, ठीक है, जिसने नहीं देखा अभी निकलते टाइम चलना, हम सबको दिखाते हुए चलेंगे। एक मोटा सा लाल रंग का पाइप ऊपर गया है नीचे से लेके ऊपर तक, उसके अंदर पानी होता है, उसमें प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं वेट राइजर, उसका और उसके साथ कनेक्टेड होता है होज रील, एक बड़ा सा रोल होगा जिसमें पाइप लपटा होगा, पानी का पाइप मोटा वाला लिपटा होगा। इनका काम क्या होता है ना, कभी जब फायर फाइटर्स आएंगे, इनका काम आपके लिए नहीं, आप लोग फायर फाइटर नहीं हो, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जब फायर फाइटर्स आएंगे बिल्डिंग में आग लगेगी तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे और जिस फ्लोर पर आग लगी होगी वो उसी होज रील को पकड़ के उसी पानी का इस्तेमाल करके आपकी बिल्डिंग की आग को बुझाने की कोशिश करें। ओके, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको मालूम हो कि ये चीजें आपके हॉस्पिटल में है या नहीं, अगर है तो काम करने लायक कंडीशन में है कि जाम पड़ी हुई। ये सिलेंडर ये लेकर आए हम इसको चलाकर देखें, जब जरूरत पड़ी तो ये चल ही नहीं रहा, इसके अंदर प्रेशर ही नहीं है, तो इसको रखने का कोई फायदा हुआ नहीं, हुआ ना, लास्ट मोमेंट पे डांट अलग से पड़ेगी, तुम लोगों ने देखा नहीं। ओके, लास्ट थिंग होती है हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो लिखा हुआ बड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर। इतनी चीजें समझ में आ रही है, तो आग से लड़ने के लिए जो हथियार है हमारे पास वो ये है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है इसको समझ, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना होता हमको। सबसे पहली चीज तो अगर कहीं पर भी आग लगी है तो पहली चीज आपने करना है अनाउंसमेंट। क्या करना है? अनाउंसमेंट कैसे करोगे? आप लैंडलाइन वाला फोन उठाओ, रिसेप्शन पे कॉल करो और बोलो कोड रेड इन जो भी एरिया, सपोज ये थर्ड फ्लोर है, अब यहां से अगर अनाउंसमेंट करेंगे कि यहां पर अगर आग लगी है तो हम रिसेप्शन फोन करके बोलेंगे कोड रेड इन थर्ड फ्लोर। क्या बोलेंगे? बोलो सारे लोग। अगर आईसीयू में आग लगी तो क्या बोलेंगे? अगर रिसेप्शन पे ही आग लग गई तो क्या बोलेंगे? शाबाश, रिसेप्शन वाला फोन किसको करेगा बोलेगा? हाँ, ये रिसेप्शन वाला अपने आप को फोन करके बोलेगा, हाँ मेरी आवाज मैं ही सुन रहा हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ कोड रेड इन रिसेप्शन, बहुत बढ़िया शाबाश, दिमाग खोल के रखो क्लास में। ठीक है, अगर फार्मेसी में आग लगती तो क्या बोलना चाहिए? बोलो कोड रेड इन फार्मेसी। कैंटीन में आग लगेगी तो क्या बोलोगे? ठीक है, ये हमें कम से कम दो बार बोलना होता है। क्यों? फोन उठाते ही आप सीधे सीधे किसी को भी कुछ भी बोलोगे ना तो उसकी समझ में नहीं आता, प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम दो बार बोलेंगे कोड रेड इन कैंटीन, कोड रेड इन कैंटीन। ठीक है, बोलो सारे लोग। इतनी धीरे नहीं बोलना है ना, इनको समझ में आना चाहिए कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है, अगर इतनी धीरे आराम से मुलायमियत से बोलोगे तो वो कहेंगे पता नहीं कुछ होगा, लाल लाल बोल कर समझ में नहीं आ रहा रख दो। ठीक है, ओके, अब इनका काम क्या है, रिसेप्शन वालों का, आपके अनाउंसमेंट सिस्टम लगे पूरे हॉस्पिटल में, स्पीकर्स लगे हुए, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट सिस्टम एक्टिवेट करना है और दो बार अनाउंस करना है कोड रेड इन कैंटीन। ठीक है, जब आप बोलोगे तो पूरी बिल्डिंग में आवाज जाएगी कोड रेड इन कैंटीन की। ठीक है, जिन लोगों को ये ट्रेनिंग मिली है उनको मालूम है कि कोड रेड इन कैंटीन का मतलब कैंटीन में आग लग गई है। ठीक, अब उसका करना क्या है, ये कोड रेड की टीम के मेंबर है, इनको वहां पहुंचना है इमीडिएट, तुरंत, शिव जी जो है वो कोड रेड की टीम के मेंबर है, इनको वहां पहुंचना है और रास्ते में जहां से फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा उसको लेकर पहुंचना। ठीक, तो ये टीम इकट्ठा हो जाएगी इनके पास, तो अभी जो ये अकेले वहां पे जूझ रहे थे उनके पास एक हेल्प पहुंच जाएगी और सारी टीम मिलकर उस आग को टैकल करने की कोशिश करे। जितने बार समझ में आती है, यस और नो, इतने में कोई डाउट है? yes. नहीं, चलो सेकेंड थिंग आपको करना है रेस और तीसरी थिंग आपको करना है पास। रेस और पास का मतलब जहां से आग लगी वहां से भागो कस के और रास्ते में जो मिल जाए उसको पास करते हुए निकल जाओ, ऐसा ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, रेस का एक फुल फॉर्म है,
आर ए सी ई। छोड़ो, आग लगने की कंडीशन में जो दो कोड होते हैं वो पहला है रेस और दूसरा कौन सा है? पास। ठीक है, रेस का एक फुल फॉर्म होता है, आर से क्या होगा? आर से होता है रेस्क्यू। बोलो सब लोग, फिर से बोलो रेस्क्यू। फिर से बोलो रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब बचाना। ठीक है, ए से होता है अलार्म। क्या होता है? अलार्म। फिर से बोलो अलार्म। फिर से अलार्म। ठीक है, अलार्म का मतलब अनाउंसमेंट करना। ठीक है, सी से क्या होता है? कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। फिर से बोलो कंट्रोल। फिर से बोलो कंट्रोल। और आखिरी ई से होता है एक्सटिंग्विश। क्या होता है? एक्सटिंग्विश। फिर से बोलो एक्सटिंग्विश। जोर से बोलो एक्सटिंग्विश। फिर से बोलो एक्सटिंग्विश। ये ज़बान पे चढ़ना चाहिए। ठीक है, इनके नहीं चढ़ना। बोलो ई से क्या होता है? एक्सटिंग्विश। एक्स बोलो एक्स। यस। टिंग विश। एक्स एक्सटिंग्विश आ गया। ठीक, तो जो हमारा रेस हो गया, रेस्क्यू, अलार्म, कंट्रोल और एक्सटिंग्विश। ठीक है, रेस्क्यू मतलब बचाना। सबसे पहले अगर कहीं पर आग लगी, सपोज ये पेशेंट का बेड है, यहाँ पर पेशेंट है और इसके बगल में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है और यहाँ से आग निकल ली, चिंगारी निकल गई, तो सबसे पहला काम आपको इसकी जान बचाना है कि नहीं? ठीक है, तो जहां पर आग लगी है उसके आसपास अगर कोई जान का खतरा है किसी को, उसको वहां से सबसे पहले हटा दो। कैसे हटाओगे? कुछ नहीं, खाली बेड पूरा पूरा उधर खिसका दो। ओके, समझ में आती है बात? यस सर। ठीक, दूसरी चीज क्या है? अलार्म। अलार्म दूसरे नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि ये आग कब बढ़ जाएगी आपको पता नहीं है, तो इसके बढ़ने से पहले अपने लिए टीम बुलवा लो। समझ में आ रही बात? तो अगर ये बढ़ेगी भी तो आप लोग मिलकर उसको टैकल कर ले जाओ। तो दूसरा है अलार्म। अब अलार्म कैसे करोगे? रिसेप्शन फोन करके बोलोगे कोड रेड। समझ में आता है? हाँ या ना? क्या हुआ, सो गए क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सी का मतलब होता है कंट्रोल। अब आपने अलार्म तो बजा दिया, आपने अनाउंसमेंट कर दिया, जब तक ये आएंगे तब तक आप कुछ तो करोगे ना। आप क्या करोगे? अगर इसके जहां पर आग लगी उसके आसपास कुछ जलने वाली चीजें हैं तो उसको वहां से तुरंत हटा दो। जैसे कि कपड़ा, कपड़े में आग पकड़ती है, ये सैनिटाइजर, इसमें अल्कोहल है, ये बहुत तेजी से आग पकड़ेगा, इसकी बॉटल प्लास्टिक है, ये भी आग पकड़ेगी, ये पर्दे जो लगे हैं ये आग पकड़ सकते हैं, ये बोर्ड जो है ये लकड़ी का है ये भी आग पकड़ सकता है। हाँ या ना? तो आग बढ़ेगी तो ये भी आग पकड़ेंगे, फिर और तेज बढ़ेगी, तो इनको वहां से किनारे से हटा दो। सपोज इस जगह पर आग लगी है और यहाँ पे कुछ कुछ सामान रखा हुआ है, तो आप इस सामान को पकड़ के यहाँ से हटा दो। जब खिसका दोगे तो आग को आगे बढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगी, तो ये आग आगे बढ़ेगी। जितनी बार समझ में आती है? कभी जंगल की आग को बुझाते हुए देखा है? जंगल की आग कैसे बुझाई जाती है? फायर एक्सटिंग्विशर लेके एक आदमी जंगल में दौड़ता है क्या? कैसे बुझाई जाती है जंगल की आग बताओ? एयरप्लेन से भी फायदा नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं बताऊँ। जंगल की आग बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जंगल है। ओके, यहाँ पर आग लगना शुरू हो गई किसी भी वजह से, सपोज अपने प्रीत भाई ने सुट्टा मारा, फेंक दिया वहां पे, और उसके बाद हवा चली और आग लग गई। ठीक, ये तो निकल लिया वहां से, लेदन किसकी हो गई? वहां रहने वाले सब लोगों की। यहाँ से आग लगना शुरू हुई, अब आग धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगी आगे, है ना? जब तक आग यहाँ तक पहुंच चुकी होगी और कंट्रोल के बाहर जाएगी तभी पता लगेगा कि कुछ हुआ था। क्या हुआ था वो तो छोड़ दो। तो हम लोग करते क्या है ना, हम लोग इतने यहाँ तक आग पहुंच गई है, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के जंगल को ही काट के गायब कर देंगे। इतने जंगल को और जलने देंगे और इतने हिस्से को काट कर गायब कर देंगे। तो जब आग यहाँ तक पहुंचेगी, इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो आग पकड़ेगी किसमें? तो जब यहाँ लकड़ी बचेगी ही नहीं, तो इससे ज्यादा आग आगे बढ़ेगी नहीं और इतना जंगल हमारा सेफ हो जाएगा। ऐसे बुझाई जाती है जंगल की आग। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ना तो इतना पानी है, ना इतने एरोप्लेन्स है और ना ही इतने फायर एक्सटिंग्विशर है कि हम जंगल में जाके आग को बुझा सके। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, बहुत कोशिश करी गई, बहुत ज्यादा कोशिश करी गई, नहीं बुझा पाए, फिर फाइनली जब बारिश हुई तभी आग। तो ये लोग, इन्होंने क्या किया, ये तरीका क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंट्रोल। कंट्रोल का दूसरा नाम है कन्फाइन, मतलब आग को वहीं तक रोक दो, आगे मत बढ़ने दो। और ये सिर्फ एक तरह से हो सकता है कि उसके आसपास जो चीज आग पकड़ने वाली है उसको वहां से हटा।
ओके। आखिरी चीज है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश कैसे करोगे? आपके फायर सिलेंडर से करोगे। आप फायर सिलेंडर लाओगे और उसका यूज करोगे तो एक्सटिंग्विश करोगे। फायर सिलेंडर को यूज करने का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है पास। क्या है? पास। ओके, इतनी बात समझ में आती कि नहीं? सर तो इसको भी जल्दी पकड़ेगी ऑक्सीजन जो पॉइंट है, इसको भी जल्दी पकड़ेगी। देखो ऑक्सीजन में आग नहीं लगती, लेकिन ऑक्सीजन आपको भड़काता बहुत है। समझ रहे बात को? ऑक्सीजन क्या होता है ना, गैस होती है। अगर यहाँ आग लगी और इसके पास ऑक्सीजन लीक कर गई तो ये आग बहुत तेज हो गई। इसीलिए कभी भी हॉस्पिटल में फायर लगती है तो पहला बिजली का कनेक्शन और दूसरा ऑक्सीजन का कनेक्शन तुरंत काटा जाता है। लेकिन पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है उसको नहीं हटाया जा सकता, ऑक्सीजन सपोर्ट से नहीं हटा सकते, तो ये बहुत मिनिमम केस में होता है। जैसे इस फ्लोर पे आग लगी, इस फ्लोर पे ऑक्सीजन के बिना काम चल सकता है तो इस फ्लोर की ऑक्सीजन काट दी जाएगी। लेकिन अगर सेंट्रल ऑक्सीजन है और फ्लोर वाइज अलग नहीं किया है तो पूरे हॉस्पिटल को नहीं काट सकते, कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, तो ये बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तब हम लोग उसको प्लान करके। चलो अगला कोड हमारा क्या है? पास। ठीक है, इसको समझो, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें बताना वीडियो आ रही कि नहीं? से पूरा सिलेंडर दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है, ये हमारे पास फायर सिलेंडर है। ठीक, अभी हम इसको कितनी भी जोर से दबा लें ये चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लगी है सेफ्टी, इसको बोलते हैं पिन। ठीक है, ये क्या लगी है? पिन। तो अगर हमें इस सिलेंडर को चलाना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस पिन को बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक, ये तुम्हारा पी का फुल फॉर्म हो गया, पुल पिन। पुल मतलब खींचो, किसको खींचो? पिन को। ठीक, अब किसी किसी फायर सिलेंडर में केवल पिन लगी होती, किसी किसी में हैंडल के नीचे ये नॉच लगा होता। अगर ये लगा है तो पिन निकालने के बाद भी इसको दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब दबा दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अभी भी दबाने से पहले हमें कुछ काम और करने हैं। क्या क्या करना है? ए, ए का मतलब होता है एम। एम कैसे करोगे? अभी अगर हम यहां पर आग लगी, सपोज ये जहां पर बैठे हैं यहां पर आग लगी है, ये मेरे पास फायर सिलेंडर है। अभी अगर मैं इसको चला दूंगा तो इसकी जो गैस निकलेगी वो यहाँ पे निकलेगी कि वहां पे निकलेगी? यहाँ पे निकलेगी। तो आग बुझाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इस पाइप को निकालना पड़ेगा और आग की तरफ दिखाना पड़ेगा, है ना? अगर आग जहां पर लगी है उसकी तरफ हमें इसका निशाना करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको चलाएंगे तभी आग बुझा पाएगा। ठीक, अब आग पूरे एरिया में लगी है तो हम निशाना किस में लगाएंगे? आग के सोर्स पे। जिस चीज पे आग लगी है उस पर निशाना लगाओगे, आग पर निशाना नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये मान लो एक कोई प्रोडक्ट है जिसपे आग लगी हुई है और ये लपटे निकल रही है आग की। अगर आप यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर चलाओगे, जल तो ये रहा है ना, कोई फायदा है फायर एक्सटिंग्विशर चलाने में? फायदा कब होगा? जब आप इसके ऊपर अटैक करोगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद ही तो ऊपरी आग बुझेगी। तो हमको निशाना कहाँ लगाना है? हमको सोर्स पे लगाना है। ठीक, तो ये सेकेंड पॉइंट है ए। ए से होता है एम। एम मतलब निशाना लगाओ। निशाना किस पे लगाना है? सोर्स पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सेकंड एस से होता है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब दबाना। क्या होता है? दबाना। क्या दबाना है? ये हैंडल। ठीक है, ये जो चोंच निकली है कौए की, इसको दबाना है। इसको हम दबा देंगे तो पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। और आखिरी होता है एस। एस का मतलब होता है स्वीप। स्वीप, एस डब्ल्यू डबल ई पी, स्वीप। स्वीप मतलब जैसे झाड़ू लगाते हो ना, इधर से उधर तक सफाई करते हो, वैसे ही हमें इसको चलाना होता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे फायर सिलेंडर लिया हमने, एक जगह पे सोर्स है, वहां पर आग लगानी है, वहां पे बुझानी है, तो हमने उस पर निशाना तो लगा लिया। अब हम इसको जब दबाएंगे तो हम इधर से लेके उधर तक पूरे में इसको ऐसे घुमाएंगे। फिगर ऑफ एट बोल सकते हो उसको, फिगर ऑफ एट। नर्सिंग वालों को बहुत ज्यादा अच्छे से मालूम होगा, हर चीज में फिगर ऑफ एट चलता है। ऐसे घुमाते हैं उसको यूं, इसलिए क्योंकि आग जब भी लगती है तो कुछ ना कुछ चिंगारी इधर उधर उड़ती है। तो अगर इधर उधर कहीं कोई चिंगारी है जो फिर से आग पकड़ सकती है तो वो भी बुझ जाए और इधर से लेकर उधर तक पूरे एरिया में ये पूरी तरह से फायर को दबा दे और आग दोबारा से ना भड़के। समझ में आ रही बात? ओके, फायर एक्सटिंग्विशर का पर्पस समझ में आता है। इसकी ट्रेनिंग अलग से है, सब लोगों को एक एक फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा के चलवा कर दिखाएंगे, सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे।
अभी यहाँ नहीं चला सकते क्योंकि वार्ड है, बट हम लोग करवाएंगे, ये हमारा प्लान है। फायर ऑफिसर्स आएंगे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग यहाँ हॉस्पिटल में आकर ट्रेनिंग देंगे बाकायदा, फायर सिलेंडर कितने टाइप के होते हैं, कौन सा सिलेंडर कहाँ यूज करना होता है, इसको यूज करने की ट्रिक्स क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोगों को ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त फायर का बंदा यहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। और अगर आप इंतजार करोगे कि प्रीत साहब आए और आग को बुझाए, तो जब तक ये आएंगे तब तक आधा हॉस्पिटल जल जाए। तो आप अगर एक्शन ले सकते हो तो आप तुरंत एक्शन। एक चीज और, ये भारी होता है, अच्छा खासा भारी होता है, और ये दीवार पे ऐसे करके लटका हुआ होता है, तो हो सकता है कि आप लोग इसको उतार ना पाओ खुद से, लेकिन आपके पास वार्ड बॉय है, आपके पास पेशेंट के अटेंडेंट है, आपके पास दूसरे स्टाफ है, किसी को भी बुला लो, खड़ा कर दो कि ये उतार के हमको दे दो, हम जाके फायर को बुझा लें। एक और चीज, कहीं किताब में ये नहीं लिखा कि इसको हवा में उठा के ही आपको चलाना है, आप इसको जमीन पर रख के आराम से चला सकते, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इसको हवा में उठाए रहो फिर आप इसको चलाओ, ठीक है। थोड़ी दूरी पे सेफ्टी से जमीन पर रख दो इत्मीनान से, उसके बाद इसको चलाओ। ये ट्रिक्स है। बस बस छोड़, शाबाश। इतनी चीज समझ में आ गई? आप कहीं पे आग लगेगी तो बुझा लोगे? कोई नहीं बुझाएगा। हाँ, आग लगेगी तो बुझा लोगे? कितने लोग बुझा लोगे? हाथ खड़ा करो। आप तो बुझा ही लोगे, हमें पता है। हाँ जी मैडम, जाओ जाओ जाओ, बुझा लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ प्रैक्टिकली, ठीक है। अब देखो किस्मत कैसे काम करती है। कभी तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ, ये पूरी किताब पढ़ ली, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा और वही क्वेश्चन एग्जाम में आया हो? होता है। कभी तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि सारे पेशेंट का डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही चल रहा हो, केवल एक पेशेंट का डॉक्यूमेंट सही नहीं था और वही फाइल अगला बंदा उठाकर देंगे? होता है, यस और नो, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम लोग सिर्फ आधे घंटे के लिए एक दिन हॉस्पिटल से बाहर जाओ किसी काम से, उसी आधे घंटे में पेशेंट अरेस्ट हो गया, है ना। किस्मत हमेशा ऐसे ही काम करती है, ठीक। अभी तुम लोग यहाँ से जब जाओगे तो सारी जगहों पे देखते हुए जाना, कहाँ पर बिजली के तार है, कहाँ पे पैनल है, कहाँ पे क्या है। 200% लिख कर देता हूँ, हर जगह जहाँ बिजली के तार होंगे उसके पास या तो कोई किताब रखी होगी, या कोई गत्ता रखा होगा, या कोई लिक्विड रखा होगा, सैनिटाइज कुछ भी वहां पे रखा जरूर मिलेगा जो आग पकड़ सकता है। ये उसको ध्यान से संभाल के वहीं पे रखा जाता है या बाय डिफेक्ट हो जाता है मालूम नहीं, बट ये होगा जरूर। दूसरी चीज, एक हॉस्पिटल में जहां मैं काम कर रहा था, हम लोगों ने पूरे हॉस्पिटल के फायर एक्सटिंग्विशर्स को रिफिल करने के लिए भेजा, आज भेजा कल मिल जाएगा, ठीक है। किस्मत की बात देखो, आज हमने भेजा और शाम को शॉर्ट सर्किट हो गया, वार्ड में आग लगी। इससे पहले 40 सालों में कभी अस्पताल में आग नहीं लगी। जिस दिन हमने फायर सिलेंडर रिफिल करने के लिए भेजे, सारे प्रेशर डाउन थे, उसी दिन शाम को आग लगी और अगले दिन सिलेंडर आ गया, उसके बाद से आज तक कभी आग नहीं छिड़ी। ये किस्मत ऐसे काम करती है। और मुझे 200% पता है कि तुम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हो ना, जिन्हें फायर की ट्रेनिंग दी है हमने, जिस वक्त आग लगेगी उसके आस पास तुमने से कोई नहीं होगा। वही लोग होंगे जिनको ये ट्रेनिंग नहीं मिली हो। बट ये ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल में काम आए, तुम्हारे घर पे काम आ सकती है, कहीं बाहर काम आ सकती है, कभी गाड़ी से जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी में भी आग लगती है, और हर गाड़ी में, हर सरकारी गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होता है। तो अगर अभी कुछ कर सकते हो उनके लिए तो करो, बट दो चीज़ों का बहुत स्पेशल ध्यान रखना। पहली चीज, तुम लोग नर्सिंग स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ हो, तुम लोग फायर फाइटिंग स्टाफ नहीं हो, ठीक है ना। आपको सिर्फ बेसिक बताया गया है कि बड़े हादसे होने से पहले आप बच जाओ, तो हीरो बनने की कोशिश मत करो, जितना हो सकता है पॉसिबल उतना ही करो, अपने आप को बचा कर रखो। अगर आप बचे रहोगे तो अपने साथ दूसरे पेशेंट्स को बचा सकोगे, अगर आप नहीं बचोगे तो अटेंडेंट पेशेंट को नहीं बचा सकते, आप ही बचा सकते, ओके। सेकेंड थिंग, कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करो तो आपकी पीठ बाहर के रास्ते की तरफ होनी चाहिए और आपका फ्रंट आग की तरफ होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आग इधर लगी, आपने आग की तरफ फीड कर ली और बाहर रास्ते की तरफ आप फेस कर रहे हैं, क्यों? आग कब बड़ी हो जाएगी आपको अंदाजा नहीं लगेगा और फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे।
आपको हमेशा फेस आगे करना होगा और पीछे की तरह वैसे चल के जाना होगा, तब आप बाहर निकल पाओगे सेफ्टी से। और एक बात, ये जो फायर सिलेंडर है ना, ये मुश्किल से 15 सेकंड चलेगा, बस 10 से 15 सेकंड के बाद ये खाली हो जाए। तो अगर आपको श्योर है कि आप इससे उस आग को पूरी तरह बुझा सकते तो इसका इस्तेमाल करो, वरना इसको बचा के रखो। किस लिए? रास्ता बनाने के। ये दरवाजा है, यहाँ से पेशेंट को बाहर करना है। अगर आपको मालूम पड़ गया जरा सी आग है, बुझा देंगे, खत्म हो जाएगी, आप फायर एक्सटिंग्विशर डाल दो, आपको बुझा। लेकिन अगर आपको पता है कि आग ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन चेंबर तक पहुंच गई, अभी आग बुझेगी नहीं हमसे, तो आप सिलेंडर को बचाओ, सिर्फ रास्ता खाली, जब पेशेंट बाहर निकल लो फायर सिलेंडर चला दो, आग ज्यादा बढ़े फायर सिलेंडर चलाओ, आग को थोड़ा सा बुझा दो, रास्ता बना दो, बाहर निकालो, फिर आपको बुझा दो, फिर रास्ता बना दो, बाहर निकाल लो, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करो। इस तरह से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए काम करो। बहुत सारे लोग ऐसे गलती किए हैं जो हीरो बनने की कोशिश किए हैं और वो खुद आग में जल गए हैं और दूसरों को भी नहीं। समझ में आ रही बात? यस और नो? यस। ठीक, लास्ट थिंग, कभी भी आग लगती है, आपकी कोड रेड की टीम आ गई, तुरंत डिसाइड करो कि आग बुझेगी या हम बिल्डिंग खाली करें। ये कोड रेड की टीम डिसाइड करेगी, बट वार्ड इंचार्ज होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी है ये। आप देखो, अगर आग बुझ नहीं रही है एक बार दो बार के अटेम्प्ट में, तुरंत बिल्डिंग खाली करना शुरू करो, पेशेंट्स को बाहर निकालो। और पेशेंट को बाहर निकालने के लिए जो आप लोग पैटर्न यूज करोगे उसको बोलते हैं रिवर्स ट्राइज। क्या बोलते हैं? एक होता है ट्राइज मेथड, जब आपके पास बहुत सारे पेशेंट एडमिट होने के लिए आते हैं तो आप ट्राइज मेथड का यूज करते हो कि किस पेशेंट को पहले देखें और किस पेशेंट को बाद में देखें। रिवर्स ट्राइज का मतलब होता है जब पेशेंट को बाहर निकालना है तो किस पेशेंट को पहले बाहर निकालें और किस पेशेंट को बाद में बाहर निकालें। ये दोनों ही एक कंसेप्ट पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उसकी जिंदगी की कितने चांसेस है कि वो जिंदगी उसकी आगे तक कंटिन्यू रहेगी। जब आप ट्राइजिंग करते हो तो जो सीरियस कंडीशन के पेशेंट होते हैं जिनको तुरंत देखोगे नहीं तो वो मर जाएंगे, उनको पहली प्रायोरिटी देते हो, जिसको आप कलर बोलते हो रेड। यस और नो? यहां हम बात कर रहे हैं ट्राइजिंग की। रेड मतलब हेड इंजरी, ब्लीडिंग, अगर ऐसे पेशेंट को तुरंत नहीं देखा तो वो एक्सपायर कर जाएगा, तो ये पहली प्रायोरिटी रेड। दूसरी प्रायोरिटी होती है हमारी, कौन सी होती है? ब्लू। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी हमारी हम लोग डाल देते हैं ब्लू। ब्लू का मतलब वो पेशेंट जिनको तुरंत देखने की जरूरत नहीं है लेकिन देखना पड़ेगा, जैसे कि फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर हो गया उसको तो फ्रैक्चर से ज्यादा नुकसान तो नहीं हो सकता, तुरंत देखो या थोड़ी देर बाद भी अगर देखोगे तो काम चलेगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी होती है ग्रीन। ग्रीन का मतलब थोड़ी बहुत चोट लगी है, नहीं भी देखोगे, डॉक्टर तुरंत नहीं देखेगा तो भी काम चल जाएगा। एग्जाम्पल समझो, एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या बस का एक्सीडेंट होता है और आपके पास चार पेशेंट एक साथ आते हैं, एक का सर फटा हुआ है, खून बह रहा है, दूसरे के हाथ में फ्रैक्चर है, तीसरे के कुछ खरोचे आई है बस, और चौथा डेड ऑन अराइवल है, तो सबसे पहले आप किसको देखना चाहोगे? हेड इंजरी और ब्लीडिंग को, दूसरा फ्रैक्चर, और तीसरा जिसको थोड़ी बहुत चोटें हैं, और जो डेड ऑन अराइवल है उसको नहीं देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक, उसकी कैटेगरी होती है ब्लैक। उसको किस कैटेगरी से डिनोट करते हैं? इतनी बात समझ में आती है? इसमें कोई डाउट है? ट्राइजिंग करते कैसे है? आपके पास खबर पहुंच जाएगी कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ है और हॉस्पिटल को तैयार कर लो, बहुत सारे पेशेंट एक साथ आने वाले। ओके, आप एक इमरजेंसी एरिया सेटअप करोगे, सपोज रिसेप्शन का एरिया है, वहां पे हमने ट्राइज एरिया सेटअप कर दिया, दो डॉक्टर्स खड़े हो गए, जो पेशेंट आ रहा है डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, बोल दिया रेड, वो पहली प्रायोरिटी बन गया, उसके रेड टैग लगा दिया और पहली प्रायोरिटी भेज दिया। पेशेंट देखा, बोल दिया ब्लैक, डेड है, इसको किनारे करो। पेशेंट देखा, बोल दिया ग्रीन, ये थर्ड प्रायोरिटी है, इसको भी किनारे करो। पेशेंट देखा, बोल दिया ब्लू, वो तुरंत का तुरंत ट्रायज बताता जाएगा और पेशेंट को इधर से उधर भेजता जाएगा और उसके हिसाब से पेशेंट की केयर होती चलेगी। इतनी बात समझ में आती है? ये होता है ट्रायज। ठीक, इसी को जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रायज। और रिवर्स ट्रायज में ब्लैक कंडीशन हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये पॉसिबल है, छोड़, डेड पेशेंट को हम इसमें वैसे भी नहीं लेंगे,
रिवर्स ट्रायज पर हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, ठीक, इसका अपोजिट। जो पेशेंट नॉर्मल है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं है, चल फिर सकते हैं, सबसे पहले उनको बोलो तुम बाहर जाओ, यस और नो। क्यों? वो अपने आप चला जाएगा, उसको कोई दूसरे बैकअप सपोर्ट की जरूरत नहीं है और उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, लंबे समय तक वो चलेगा। दूसरा पेशेंट कोई ऐसा है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, या किसी का फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ है, वो चल के नहीं जा सकता लेकिन नॉर्मल पेशेंट है, तो सेकेंड प्रायोरिटी उसकी हो जाएगी, उसको आप कैसे भेजोगे, व्हीलचेयर से या स्ट्रेचर से, ठीक। तीसरी प्रायोरिटी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के जो पेशेंट्स हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जो बाईपैप पे हैं, जो बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज पे हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है, सबसे लास्ट में उसको बाहर निकालोगे। क्यों? क्योंकि उसको निकालने के लिए आपको एक ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और वो बिना स्ट्रेचर और ट्रेंड स्टाफ के बाहर नहीं निकल पाए। समझ में आ रही बात? यस और नो? रिवर्स ट्राइजिंग समझ में आता है, ठीक है। ये तुरंत प्लान आउट करना होता है कि आज अगर आग लग गई तो हम पहले किस बेड नंबर को निकालेंगे, फिर किस बेड नंबर को निकालेंगे, ये लिस्ट डेली बनती है। फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे, बट हम इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे आगे चल के, कि डेली का डेली एक लिस्ट बनेगी, ये फला फला पेशेंट कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, सबसे पहले इसको निकालो फिर उसको। समझ में आ रही बात? यस और नो? ठीक है, ये नेचुरल कैलामिटीज में से एक मान सकते हो इसको, हालांकि आग नेचुरल कैलामिटी हॉस्पिटल में तो नहीं हो सकती, मैन मेड ही होगी, बट काम वैसे ही कर। इतनी बात समझ में आती है? इसमें कोई डाउट है नहीं? पक्का? ओके, एक एग्जांपल बताते हैं। जब तक आप हॉस्पिटल में हैं, आपकी जिम्मेदारी आपका पेशेंट, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है आप हॉस्पिटल छोड़ के भाग नहीं सकते, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी। लेकिन अगर आपको श्योर हो गया 200% कि दो में से एक की ही जान बचेगी, चाहे मेरी चाहे पेशेंट की, इन दैट कंडीशन आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो और भागे, ठीक है। बट जब तक पेशेंट है और उसके पास 1% भी चांस है सर्वाइव होने का, आप हॉस्पिटल छोड़ के बाहर नहीं जाओ। एक बार एक बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, पूरे हिंदुस्तान ने उसको महसूस किया था। उस वक्त हम सर्जरी करा रहे थे, एक पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट हम करवा रहे थे, हम लोगों ने इम्प्लांट डाल दिया था और उसके बाद में एनएस से वॉश करवा रहा था उसको, वॉश करने के बाद हमें उसको स्टिच लगाने थे। सरकारी अस्पताल था जिसकी बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनवाई थी, कभी भी गिरने लायक कंडीशन थी और आ गया भूकंप, खूब कस के इतनी जबरदस्त भूकंप आया कि सबको अचानक से लगा चक्कर आ रहा है क्या। फिर उसके बाद हमने देखा जो सियाम मशीन मॉनिटर और जो लाइट्स थे वो सारे के सारे शेक करने लगे और हम पेशेंट को ओपन करके वहां पे खड़े थे। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम भाग जाए? क्या हम पेशेंट को लेके भागे? पेशेंट भी ओपन है, हम उसे बाहर भी नहीं ले जा सकते। हमारे एनेस्थेटिक ने क्या किया, उनके पास एक इतना बड़ा बोर्ड था जिसपे वो रख के लिख रहे थे, उन्होंने उस बोर्ड को ऐसे लगाया सर के ऊपर और एक किनारे जाके चुपचाप कोने में बैठ गए, उनका काम खत्म, ठीक है। मैं, मेरे असिस्टेंट और मेरे सर्जन, हम तीनों लोग ऐसे घूमते घूमते उस सर्जरी को कंटिन्यू करें। हमने उसको वॉश कराया, वॉश करने के बाद उसको स्टिचेस लगाए, स्टिचेस लगाने के बाद बैंडेज ऊपर से रखा, बैंडेजिंग नहीं करी, पेशेंट बाहर करवा दिया, पेशेंट बाहर बैंडेजिंग करवा दिया। बट तब तक हम बाहर नहीं निकले ये जानते हुए भी कि ये बिल्डिंग सरकारी है और अंग्रेजों की बनाई हुई है, हो सकता है बिल्डिंग गिर जाती, हम सब उसमें दब जाते। हम लोगों ने वहां पे इमीडिएट प्लानिंग क्या करी, हमने प्लान ये किया कि अगर जो एनेस्थेटिक बैठे और जो फ्लोरिंग का स्टाफ है वो तो स्क्रब नहीं है ना, हमारा फोकस पेशेंट पे, उसका तो फोकस पेशेंट पे नहीं है, उसको बोल दिया कि चारों दीवारों को ध्यान से देखते रहो परमानेंट, अगर किसी में दरार आ जाए तो तुरंत बता देना, हम पेशेंट को लेकर ओटी टेबल के नीचे बैठ जाएंगे। वो लगातार ये देखता रहा कि कहीं दरार तो नहीं पड़ा, फॉर्चुनेटली दरार नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो हम उसको लेते और ओटी टेबल के नीचे बैठ जाते, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हमने पेशेंट छोड़ा नहीं। अगर हम पेशेंट छोड़ देते और कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी भी हमारी, समझ रहे हो बात को? इसको बोलते हैं धर्म संकट। यहाँ पे डिसाइड करना होता है क्या सही है क्या गलत है, और ये डिसीजन लेना आपको आना है, ऊपर आना ना करे कभी ऐसी कंडीशन आपके सामने आए, बट अगर ये कंडीशन आती है तो ये डिसीजन लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटीज क्लियर है, समझ में आ गई बात? ट्राइजिंग, रिवर्स ट्राइजिंग और फायर कोड रेड, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं? ओके,
लास्ट पॉइंट इसी में एक चीज और बतानी है आपको, हमारे पास फायर सिलेंडर कितने टाइप के, हमारे पास दो टाइप के सिलेंडर होते हैं, एक पाउडर टाइप और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। किसी ने देखे हैं फायर सिलेंडर्स, है ना? जब फायर ऑफिसर्स यहाँ पर आएंगे तो हम आपको एक एक सिलेंडर निकाल कर दिखा देंगे और उससे दोनों में प्रैक्टिस करा देंगे। जो CO2 टाइप सिलेंडर होता है उसमें कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, और जो पाउडर टाइप सिलेंडर होता है वो ये है, इसके अंदर पाउडर है, इसको ABC टाइप बोलते हैं। ये सिलेंडर किसी भी तरह की आग में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक की अगर आग है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो उसमें आप पानी डाल के आग नहीं बुझा सकते, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप उसमें क्या यूज करोगे, या तो आप CO2 यूज करो गैस, या फिर आप इसको यूज करो पाउडर, ठीक है? अब ये MRD है, वहां पे हमारे रिकॉर्ड्स रखे हैं पेशेंट के ढेर सारे, अगर वहां पे आग लगी और आपने पाउडर डाल दिया, आग तो बुझ जाएगी, फिर उसके बाद एक एक पेपर को झड़ियाते रहोगे, एक हफ्ते तक साफ करोगे उसको, खूब सारा पाउडर जमा हो जाएगा। तो वहां पे प्रेफरेंस किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो इलेक्ट्रिक सर्किट जहां पर भी है, जितने भी है, वहां पर प्रेफरेंस किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जहां पर आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो कुछ भी है, वहां पर आप पाउडर टाइप यूज कर सकते, ठीक है? ये सिलेंडर्स और इनकी प्रैक्टिसेस हम लोग सैटरडे या संडे को जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन हम लोग करवा देंगे, प्लान करके बता। ओके, इस टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है?